हेलो गाइस, राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सब? वैसे मेरे सब अच्छे होंगे। तो आज है मेरा IFP में, मतलब कोचिंग सेंटर पे, तीसरा दिन। बाकी दूसरे दिन तो मैं गया नहीं था किसी कारण से, मैं बीच में काम पे गया हुआ था, तो इस चक्कर में मैं जा नहीं पाया। तो आज तीसरा दिन है और आज उन्होंने डेडलाइन दे रखी थी कि आज मैंने सारे डॉक्यूमेंट पूरे करने हैं, लाइक अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है और अपना क्या कहते हैं जूनता वगैरह, अपना एड्रेस वगैरह बनवाना था। और देखते हैं, बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं बैंक अकाउंट के लिए। मैं कल गया था, आप लोगों ने देखा ही था। तो उन्होंने मुझसे मतलब कि जूनता वगैरह कोई एड्रेस चीज़ें मांगी हैं, जिसमें मतलब मेरा प्रॉपर यहाँ का एड्रेस हो। तो यहाँ मेरे पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट इसकी जिसका जिससे मतलब मेरे यहाँ का एड्रेस हो, तो अभी देखते हैं क्या रहेगा। आज जाके पता चलेगा कैसे क्या करना है। उनसे एक बार बात करते हैं कि अभी मेरा बन नहीं पाया, कुछ भी जो भी प्रॉब्लम आई है उस कारण से। तो उसके बाद बताते हैं आपको, ठीक है? तो अभी मैं हो जाता हूँ रेडी। तो रेडी हो गया, आज हम चलते हैं तो बताएंगे आपको वहाँ जो भी रहेगा। तो बने रहना वीडियो में, मिलते हैं आपको। अभी रेडी हो जाते हैं। हेलो गाइस। तो मैं रेडी रूडी हो गए, निकल चुका हूँ घर से। और अब मैं जा रहा हूँ अपना बस स्टॉप की तरफ। यहाँ से मैं जाऊँगा मतलब बाय बस, और उसके बाद पैदल है थोड़ा सा। अब यहाँ से थोड़ा पैदल ही है 12 मिनट का। उसके बाद यहाँ से थोड़ा आगे जाके बस स्टॉप से जब वहाँ उतर जाऊँगा, फिर वहाँ से फिर 5-6 मिनट का फिर पैदल है। तो अभी इतना ही है, बाकी आज देखते हैं। बाकी जो सोशल का जो मैं कह रहा था, जिसमें मैंने एड्रेस चेंज करवाया है, यहाँ का एक डॉक्यूमेंट है सोशल के नाम से, उसमें वो मैंने एक बंदे को बोल दिया है, ठीक है? वो उनके पास मतलब उन्होंने अपना एड्रेस दे रखा था जब उन्होंने बनवाया था, जिनके थ्रू मैंने बनवाया था ना, तो उन्होंने अपना एड्रेस दे रखा था। तो अब उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो 2 से 5 दिन वो कह रहे हैं, 2 से 5 दिन लगेंगे, उनके एड्रेस पे ID पासवर्ड आ जाएगा, तो फिर वो मुझे दे देंगे। फिर मैं उसमें अपना लॉगिन करके उसमें ID अपना एड्रेस चेंज करके फिर उसको अपना प्रिंट वगैरह उसको निकाल के फिर मैं जाऊँगा बैंक में, फिर मैं खुलवाऊँगा अपना अकाउंट, ठीक है? उस भी आप पे तो भी बने रहना, देंगे आपको तो जो होता रहेगा। तो उसके बाद देखते हैं बैंक अकाउंट खुलने के बाद। बाकी अभी इनका जूनते का भी देखना है ना, एड्रेस का। यहाँ पे जो जूनता बनता है उसमें मतलब एड्रेस प्रूफ होता है, वो भी बहुत जरूरी है बनवाना। तो एक बार सोशल में चेंज हो जाएगा, उसके बाद ही उसमें हो पाएगा। बाकी एक फाइनेंस भी है, मतलब अपना टैक्स पे ही नंबर होता है, या फाइनेंस नंबर वजह से फाइनेंस बोल देते हैं, तो वो भी है। उसको भी उसमें मुझे अपना एड्रेस वगैरह चेंज करवाना पड़ेगा। तो गाइस, मैं पहुंच चुका हूँ अपना बस स्टॉप पे। और बस अभी है 10 मिनट में, तो अभी करते हैं वेट और फिर आपको लेके चलते हैं अपना कोचिंग सेंटर में, अपना स्कूल में, ठीक है? तो मिलते हैं आपको वहीं पे पहुंचते। तो गाइस, मैं लौट चुका हूँ अपना बस में, तो देखता हूँ बाहर का व्यू। तो भाई, मैं उतर चुका हूँ अपना बस में से और अब मैं जा रहा हूँ पैदल पैदल अपना लोकेशन की तरफ। तो मिलता हूँ आपको धीरे धीरे, मतलब वहीं जाके लोकेशन के बाहर पहुंच के, अपना जो कोचिंग सेंटर है उसके बाहर पहुंच के मिलता हूँ आपको। बाकी मेरे साइड में ये भी एक स्कूल है बच्चों का, सब देख रहे हो, तो बच्चों का स्कूल है। मेरे यहाँ से तो थोड़ा सा आगे है, 5 मिनट का रास्ता है, तो बताऊंगा आपको, वहीं जाके मिलता हूँ, ठीक है? दिखाते हैं आपको। बाकी आपने पहले देखा ही था, तो आज अपना दूसरा दिन, तीसरा दिन है। दूसरे दिन में नहीं आ पाया था, आज का दिन भी कैसे जाता है कैसा नहीं, बताएंगे क्या रहेगा अपने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, क्योंकि इन्होंने डेडलाइन दे रखी थी डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो करते आदमी से बात कि उसमें भी टाइम लगना है, क्योंकि मैं उसमें जाके आया था पहले, जो मेरे जो दूसरे डॉक्यूमेंट है यहाँ के सोशल ऑफिस पहले उनमें चेंज होएंगे, उसके बाद ही अपना जूनता वगैरह बनेगा, उसके बाद बैंक अकाउंट खुलेगा। तो वो सब कुछ समझाना है इनको, आज बताते हैं, तो मिलते हैं उसके बाद।
गाइस मैं पहुंच चुका हूँ अपना मेन सेंटर के बाहर, ये अपना पीछे यही है, ठीक है। अभी फिलहाल गेट बंद है, तो अभी हम करते हैं वेट, उसके बाद जब बंदा जाएंगे उसके बाद दिखाएंगे आपको थोड़ी बड़ी जो वीडियो बना पाया, तो जो बनाऊंगा दिखाऊंगा वो भी आपको, तो मिलते हैं आपको बाद में ही। तो भाई साहब पहुँच चुके हैं ब्रेक, ठीक है, वेटिंग क्लास में। अभी बैक का मैं आपको दिखाई देता हूँ, तो तुमको पढ़ाया गया है ये साउथ दे लिस्बा, मतलब मैं लिस्बा से हूँ, साउथ इंग्लिश में इंग्लिश मतलब इंग्लैंड कुछ भी, साउथ दे लिस्बा मतलब मैं लिस्बा से हूँ, और मुझे इंग्लिश आती है, क्या आपको भी इंग्लिश आती है, सब इंग्लिश का मतलब है। तो बताते हैं बाकी आपको ना बाहर निकल के क्लास पूरी होने के बाद, तो गाइस मैं निकल चुका हूँ अपना सेंटर से, निकल के मैं बस स्टॉप पे आ चुका हूँ। तो आज उन्होंने मतलब डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं पूछा, बाकी यही बिना मैंने उनसे कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, बाकी उन्होंने आज की डेडलाइन दी थी, बाकी देखते हैं। मे बी ना उनको मेल करना पड़ेगा, जो भी होगा। मैं अभी ना वेट कर रहा हूँ कि मेरा आईडी पासवर्ड आ जाए, मेरे डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट हो जाए, उनके बाद उसके बाद ही मैं इनसे बात करूँगा। बाकी आज जो इन्होंने कुछ समझाया थोड़ा बहुत ही समझ में आया, क्योंकि जो ये डायरेक्ट क्योंकि इंग्लिश में कम पुर्तगेज में ज़्यादा बोलते हैं, तो थोड़ा बहुत ही समझ में आया। बाकी ये है कि थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ वर्ड हैं जो अपने आप समझने पड़ेंगे, अपने आप से करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो थोड़ी बहुत यहाँ समझ आएगी। बाकी मेन जो है सर्टिफिकेट का ही है, कि सर्टिफिकेट जो है यहाँ के पुर्तगाल के पासपोर्ट के लिए बहुत काम आता है। तो ये अभी मेरे पास टाइम है, ठीक है ना, अभी कहीं जॉब वगैरह नहीं है, तो अभी यही टाइम है कि इतना थोड़ा लैंग्वेज सीखने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद कहीं अच्छी जॉब भी मिल जाएगी, और आगे तो काम आना ही है पासपोर्ट के टाइम पे, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ये डिसीज़न लिया है। बाकी मुझे नहीं लगता ऐसा डिसीजन कोई लेता होगा, बाकी सबकी अपनी लाइफ है, तो मैंने तो यही सोचा कि सबसे पहले अपना लैंग्वेज ही सीख लें, तो अच्छा काम भी मिल जाएगा और आने वाले टाइम में इसकी मतलब कि ज़रूरत तो पड़ेगी, तो इसीलिए मैंने ये लैंग्वेज सीख रहा हूँ। बाकी देखते हैं क्या रहेगा, अब चलते हैं घर, घर जाके बताएंगे, ठीक है, आज का दिन कैसा रहा, क्या हुआ, प्रॉपर तरीके से घर जाके बताऊंगा आपको, तो मिलते हैं अब आपको। तो गाइस मैं उतर चुका हूँ अपना बस में से, और मौसम हो गया ख़राब, बारिश आनी स्टार्ट हो चुकी है, जब भी आनी स्टार्ट हुई है, चलो बारिश आ चुकी है, तो अभी क्या करते हैं घर जाकर ही मिलते हैं, फोन को रखते हैं अंदर और दौड़ते हुए चलते हैं, कभी ज़्यादा ना जाए, तो मिलते हैं आपको घर पर ही, ठीक है, घर जाके मिलते हैं आपको। तो भाई फिलहाल मैं रुक चुका हूँ अपना एक ये बस के निकल, बस से उतरने के बाद ना इसके ऊपर से ट्रेन जा रही है, इस पुल के ऊपर से, तो मैं भी उस साइड से आया था, और अभी मतलब बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो मुझे यहीं रुकना पड़ गया, तो बारिश रुकने का वेट करते हैं, उसके बाद ही निकलेंगे यहाँ से, तो मिलते हैं उसके बाद ही। तो भाई फाइनली मैं निकल चुका हूँ अपना वहां से, क्योंकि बारिश रुक चुकी है थोड़ी थोड़ी, बट मैं निकल गया था, बट अब निकलते निकलते जो बोली रुक चुकी है, तो और अभी जा रहे हैं घर की तरफ, तो घर पहुंच के देखते हैं करते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और फिर अपना खाने पीने करेंगे तैयारी। तो आज के लिए अपना इतना ही था,
डॉक्यूमेंटेशन तो आज होगी अपनी, बाकी जब भी होगी बताऊंगा आपको। तो आज के लिए इतना ही पे इतना ही। तो और जो भी मेरे भाई अपना यहाँ के मतलब लैंग्वेज कोर्स के लिए जाना चाहते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट भी कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टा आईडी में मैसेज कर दूंगा। तो बाकी आईडी मैंने मैसेज कर ही रखी है, इसमें भी वीडियो भी कर दूंगा। तो अब मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।